लोग इससे वैसे तो शराब भी बनाते हैं। घर में झांकना बहुत पसंद है। करी का बच्चा, अभी हम चाय पी रहे थे जो भैंस के बच्चे के दूध का था। भैंस के बच्चे के दूध का। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सुकून है तो बस वही। सुबह के हो रहे हैं 7:30 और मैं अब जाग चुकी हूँ और हाथ में है मेरे गेस, एनी गेस, चाय, कॉफी, है तो कॉफी ही, लेकिन मैंने इसका बनाया फेस पैक। तो बस अब मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। फेस पैक में है कॉफी पाउडर, मिल्क पाउडर और शुगर। सो हल्का सा स्क्रब करूंगी और फिर मैं नहा लूंगी। आज यहाँ वेडिंग सेरेमनी है तो हमें यहाँ से टाइमली निकलना है वरना लोग आ जाएंगे। और ये डेस्टिनेशन वेडिंग है तो लोग टाइम पे कभी भी आ सकते हैं। सो लेट्स गो, रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। निकलते हैं फिर बताते हैं। क्या है कि रात को हड़बड़ाहट थी, एक तो टायर्डनेस, उससे ज़्यादा इस बात की टेंशन कि एडिट नहीं हुआ है फिर कैसे होगा। और हमें कहीं भी ब्रेक इस वजह से लेना पड़ जाता है कि भैया एपिसोड एडिट होना है और टाइम पे पोस्ट करना है, अभी भी एडिट करना है। सो थोड़ा सा काम बाकी है, वो काम करेंगे और यहाँ से जल्दी जितनी जल्दी हो सके। रात को तो कुछ और था, मतलब ठीक है रात को खींचे से दिखती नहीं है ना, अंधेरे का एक ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि जो जैसा है वैसा नहीं दिखता है, कुछ और दिखता है। सो बस वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट। तो हम लोग निकल चुके हैं उदयपुर से और उदयपुर का जो स्टे था माशाल्लाह माशाल्लाह, हम गए थे जी रिव्यू देख करके और झूठों कितना झूठ लिखा था तुम लोगों ने भाई, मतलब इतने अच्छे रिव्यूज थे, ऐसा लगता है पेड रिव्यूज थे भाई। मैं पेड प्रमोशन नहीं करती, पेड रिव्यूज क्यों कर देते हो तुम लोग हैं? आप लोगों के चक्कर में जिन्होंने भी लिखा था वो देख कर हम वहां पहुंच गए। अब रात इतनी हो चुकी थी और इतना लगन चल रहा था कि कोई भी जगह नहीं मिलने की वजह से हम वहाँ रुक गए। और ठीक है एक रात की बात है, लेकिन बिल्कुल जो लिखा था रिव्यूज में उसके ऑपोजिट था, मेंटेन नहीं था। एक तो उदयपुर में सारे होटल्स महल बना देते हो और महल बनाने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है ना, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी पर मेंटेन नहीं था। तो खैर मुझे लगा कि मैं बताऊं, अच्छा हाँ मुझे लगा कि बताओ कि उसने मुझसे भी रिक्वेस्ट किया मैडम एक रिव्यू दे दीजिएगा। मैंने कहा ओए रिव्यूज देखकर ही आई थी और मैं अगर रिव्यू दूंगी ना तो तुम्हारा रिव्यूज का ऊपर नीचे हो जाएगा, शुक्र मनाओ कि मैं कुछ नहीं दे रही हूँ रिव्यू तुम्हारे बारे में, चुप रहने के पैसे लेने चाहिए मुझे तुमसे, मतलब बहुत बुरा था। तो खैर ये हम लोगों की ही गलती होती है कि हमने मतलब जेन्युइन नहीं लिखते, किसी ने रिक्वेस्ट किया एक स्माइल के साथ तो हम लिख देते हैं कि हाँ इट वॉज नाइस प्लेजेंट फलाने का ना। तो खैर अब तो वहाँ से निकल चुके हैं और जो जगह काम आ जाए वही अच्छा है, तो ठीक है ठीक है। बट हमने रिव्यू नहीं दिया, नो रिव्यू। अब देखो जी कल तो नॉन स्टॉप हमने 12 घंटे ड्राइव किया था, आज हमें नॉन स्टॉप
13.5 मतलब 14 घंटे चलने का इरादा है, तभी हम मुंबई पहुंच पाएंगे, अदरवाइज हमें एक और स्टे लेना पड़ेगा, बट ऐसा अभी तक तो इरादा नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं क्या करेंगे आज, और आप लोग बताते हैं और दिखाते हैं। बस इतना ही फिलहाल के लिए, इतना ही, फिर मिलेंगे और इतना ही और दिखाएंगे। खोपड़ी से बाहर निकाल दूं और आप लोगों के सामने उसको पेश कर दूं। मुझे एक बात बताओ, मैं उदयपुर में देखा हर पहाड़ पे होटल है, और जो पहाड़ खाली है उसको ऐसे मार्क लगाया हुआ है, मतलब वो बिक चुका है और वहाँ भी कोई प्रॉपर्टीज आने वाले हैं। फिर मैंने सोचा अभी तो हम आते हैं तो हम व्यूज लेते हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ का, या एक होटल से दूसरी चोटी का, लेक का। ये कुछ सालों बाद हम लोग क्या व्यू लेंगे एक होटल से दूसरे होटल का? रहम कर दो अब यार, इतना काफी नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं। शायद मैं अभी बहुत घूमी नहीं हूँ उदयपुर, लेकिन जितना घूमी हूँ मैंने देखा कि मैं सिर्फ होटल्स घूमी हूँ कल, और लेक बहुत सुंदर था यार, बहुत मजा आया कल वहाँ पे। हमारा फोन आ गया, मजा तो आया लेकिन फोन भी आया, तो हम मिलते थोड़ी देर में। ड्राइव कर चुके हैं, लंच वंच ले लिया है, फटाफट सोच रहे हैं एक ही कप चाय पी लें अगर मिलती है तो। कोई है क्या? कैसे है? साफ सूखा हुआ है अपने पास? ये महुआ है, लोग इससे वैसे तो शराब भी बनाते हैं, लेकिन ये मेडिसिनल वैल्यू इसमें काफ़ी होता है, सुखाने का तरीका होता है। कहते हैं ये दूध में बॉईल करके बहुत फायदा करता है, लेकिन इतना नहीं, मतलब 2 से 4 लाइक किशमिश। चलो पहले यहाँ देखते हैं कुछ खाने को भी मिल जाए साथ में, फिर देखते हैं अगर मिलेगा तो। फिर कहना सिर्फ हम मूड में चाय पीने के, ये बनाने वाले जो है ना चाय बनाने वाले, वो चाय बनाने के मूड में, ये उसके पास भेज है और वो इस पर पान, बिजनेस का मूड ही नहीं है, हम बिजनेस करवाएंगे। गुजराती बोलते हो? ओहो, तो कुछ नहीं है घर में खाने के लिए? खत्म, सब खा गए आज, कुछ तो छोड़ना था हमारे लिए। मैं थोड़ी, देखो क्या है ना कि दूसरे जब बोले ना कि तुम एड़ी हो तो बुरा लगता है, खुद को ही बार बार बोलो कि तुम एड़ी हो तो फिर बुरा नहीं लगता कोई भी, मैं तो जानती हूँ मैं एड़ी हूँ। अच्छा सुनो, ये महुआ क्या करते हो, क्या करेगा? बेच देगा। कितने का बेचेगा? बेच देगा, पैसा नहीं बता रहा है क्या है ना, इसको बेच देगा। मत कर दो जरा, मैं मुर्खा होता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया खाने में, कुछ नहीं मिल रहा है। बेसिकली मेरे माहौल देख कर ही रुकी थी, ये पेड़ के नीचे एक छोटा सा घर, छोटे छोटे कितने छोटे छोटे ग्लास, दो घोटे चाय खत्म हो जाएगा। चाय वाय की इतनी शौकीन नहीं है, तो मुझे एक ही शौक है, लोगों से मिलना जुलना, उनकी सुनना, उनके महत्व, घर में झांकना बहुत पसंद है, दीवार पर किसने फोटो ली, पाई कैसी होती है, अरे अरे यहाँ कितना सुंदर एकदम पुराना सा एक कपड़ा पड़ा हुआ है जिसकी कढ़ाई की गई है, उसको पता कुछ हो जाता है। तो ये एकदम प्रेमचंद की कहानी का एक सेट लग रहा है। हाँ हाँ, मस्त चाय है एकदम, घर के गाय उसके दूध का चाय, एकदम परफेक्ट मीठा, क्योंकि घर की लड़की ने बनाया है। चाय बहुत अच्छी बनी।
लेकर आई हूँ। पूरी गाड़ी में ना ये स्मेल करेगा, लेकिन कोई बात नहीं। माँ बताती है कि इसका कुछ मेडिसिनल बनता है, माँ से पूछूंगी कि क्या होगा। महुआ तो ले लिया है जी, और उसे संभाल भी लिया है, और उसकी स्मेल बर्दाश्त भी कर रही हूँ और मुंबई तक करती रहूँगी। और इस बीच में लगाया जाएगा माँ को फ़ोन और माँ से पूछूंगी कि इसका होता क्या है। माँ ने बताया पहले दूध में उबाल करके मेरे नाना जी या किसी को तो एज अ मेडिसिन दिया जाता था, एक या दो पीस जैसे किशमिश डालते हैं ना। अब उनको प्रॉब्लम क्या थी मुझे ये नहीं पता है। अभी हम चाय पी रहे थे जो भैंस के बच्चे के दूध का था। भैंस के बच्चे के दूध का नहीं, नहीं भैंस के बच्चे के दूध का नहीं था, भैंस का दूध था, बकरी का बच्चा क्यूट लग रहा था इसलिए मैंने कैमरा उधर आपकी रहते इतनी सी मैड भी है ना। पर यार कभी कभी लगता है ना समझदारी से मैडनेस से ज्यादा फायदा करता है। जब समझदार थी तो बड़ी ज्यादा ऐसी थी, जब से मैड हुई हूँ तब से मैं ऐसे हो गई हूँ। तो आप बताओ आपको कौन सी वाली रतन पसंद है, ऐसे वाली क्या ऐसे वाली बताओ बताओ, लिखो लिखो लिखते जाओ। हम वडोदरा पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं डिनर ट्राई करने की, यहाँ मिले कुछ तो हम खाकर उसके बाद बाहर निकलेंगे, आगे निकलेंगे। लंच कुछ नहीं खाया था इसलिए शाम के 6:30 बजे हम खाना खा लेंगे और फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। आई होप कि कुछ अच्छा मिल जाए यहाँ, वैसे लोग नहीं दिख रहे हैं बहुत। लेकिन जगह अच्छी है और वॉशरूम बहुत अच्छा है यार। बंधु एक इंडियन था, 3 वेस्टर्न 1 इंडियन, इतना मजा आया मुझे। जी हाँ, इसको मजा नहीं कहते लाइफ में, इंडियन टॉयलेट मजे की चीज़ होती है। हम जैसे लोगों के लिए जो थोड़ा हाइजीन का ख्याल रखते हैं, और पता नहीं प्राइवेट टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट को वेस्टर्न कैसे यूज कर लेता है, मुझसे नहीं होता यार। मतलब उस पर मैं पॉस्चर सोचती हूँ कौन कैसे यूज करता हूँ मैं तो नहीं बैठ सकती, आई कांट सिट ऑन दैट पॉट। खाने के टाइम पर ये बात कर रही हूँ जी, खाने के बाद उसकी ही आवश्यकता पड़ती है बहुत ज़्यादा। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सुकून है तो बस वही, अगर ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो। वॉशरूम हो लिया, खाना खा लिया, सब बहुत अच्छा था। तो रूम्स भी हैं वो भी अच्छे ही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब टीवी नहीं और मतलब वाईफाई नहीं, मतलब फुल हॉलीडे है, दिमाग का भी आंखों का भी। जैसे मूड बना रही हूँ मैं कि यहाँ रुक जाए क्या, मतलब ऐसी कोई जल्दी तो है नहीं मुंबई पहुँचने की, चाहे तो हम मुंबई नाप सकते हैं और अदरवाइज एक्सप्रेस वे पे आते जाते ये जो सिनेमा चल रही है इसको देख सकते हैं। मेरा मन कर रहा है मैं फिल्म देखूं, और मुझे इधर एक मंदिर भी दिख रहा है, तो एक आगे पता कर जाती हूँ कि वो है क्या मंदिर, किसका है। अगर जो दर्शन हो गया सुबह सुबह या अभी, आप लोग डिसाइड करो, मैं ज़रा डिसाइड कर सकती हूँ।
खड़े होकर आए। ये राइट टाइम है रेस्ट का यार, वरना हम लोग 12 घंटे ड्राइव करने के बाद फिर जगह ढूंढते हैं और फिर हमें करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज। तो आज बस रिलैक्स करेंगे, नो टीवी नो वाईफाई, आई एम हैप्पी। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारी चीजें चाहिए होती है, नेसेसिटी में आ जाती है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। पता है मेरे साथ क्या होता है, कई बार एकदम मैं नहीं देखना चाहती, मेरी आंखें थकी हुई हैं, लेकिन फिर लगता है मजबूरी हो, ऐसे देखना ही पड़ेगा, टीवी है तो क्या करे, देखना तो पड़ेगा ना। अरे वाईफाई है तो थोड़ा सा लैपटॉप पे कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये जो है ना फितूर, वो आज नहीं है जी। चलो मैं आती हूँ जरा फेस वॉश। हाय राम। अच्छा सुनो, एक और बात कह रही है, ये रूम जो है इसमें मैं पहली इंसान जो रह रही हूँ, मतलब ये अभी तक बुक नहीं हुआ है, ये बहुत फ्रेश प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ से 11 कमरे हैं, इस कमरे में आई एम द फर्स्ट वन। बड़ा फ्रेश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, टीवी नहीं है, स्विच भी आधा अधूरा है और अभी लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा है, पर मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि ये फ्रेश है। मुझे अनयूज चीज बड़ी अच्छी लगती है, जैसे मैंने घर भी लिया था ना, तो मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट ओनर होनी चाहिए, सेकेंड मुझे सबसे।